सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंज पाणी टीवी ते मैं हाँ राजेश नेगी। पंजाब दे वख-वख राजनीतिक दल अक्सर यह दावा जताते हैं कि पंजाब दे जिहड़े NRI है उन्होंने वास्ते एक उन्होंने वक्रे तो पॉलिसी बनाई ताकि NRI पंजाब दे विच इन्वेस्टमेंट कर सकन अते पंजाब च जिहड़ी बेरोज़गारी है उन्नू दूर किया जाए। आखिरकार NRI नू किस तरह की सुविधा मिल रही है? असीं तुहानू एक अजिहे NRI नाल मिलावां कि जिहड़े काफ़ी टाइम तो इंसाफ दी वास्ते कई दर बदर वो भटक रहे हैं, आखिरकार उन्होंने क्यों इधर उधर जाना पै रहा है? असं गलबात कर लें। सर, सब तो पहले बहुत बहुत स्वागत है जी पंज पाणी टीवी। सत श्री अकाल जी। सर, एक थोड़ा जहा अपने बारे ब्रीफ च दस दो, कितों के रहने वाले हो, की नाम है, तो किस चीज़ का इंसाफ तुसी मांग रहे हो? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। मेरा जद्दी पिंड सनेत है जी, जिथे मेरा घर बार भी है जी। तो हूँ मैं सैटल्ड हैगा अमेरिका च, कैलीफोर्निया स्टेट सैक्रामेंटो शहर से। कितने साल हो गए कदों तुहाडा परिवार इत्थों मूव किया सीगा, ते तुहाडा नेटिव जिहड़ा पिंड है की किहड़ा है? मेरा नेटिव पिंड हैगा पिंड सनेत जी। उत्थों दी जगह दा ही जिहड़ा डिस्प्यूट करके मैनूं इत्थे आउणा जाणा पै रिहा जी। तो मैं 15 साल पहला अमेरिका चले गए सी, कैलीफोर्निया स्टेट सैक्रामेंटो रहिंदा जी। की गल है जी, एक सामने आ रहा भी कुछ जी भू माफिया गया उन्होंने पोलीटिकल पावर शायद इतने ले उन्होंने थोड़ी जी कोई प्रॉपर्टी दे कब्जा कर रखा है जी, थोड़ा ये बारे विस्तार से जानकारी। आखिरकार वो बंदे कौन है, किहड़े हैगे है जिन्होंने थोड़ी प्रॉपर्टी ते जिहड़ी थोड़ी पुश्तैनी जायदाद है उहदे ते इलीगल तौर पर कब्जा किया है जी? वो एक इन्हां दा माफिया हैगा जी, लैंड ग्रैबर्स दा। उहदे विच जिहड़ा हैगा प्रोमीनेंट फिगर आ कैप्टन दा, बहुत नज़दीकी सी, पोलीटिकल सैकटरी सी संदीप सिंह संधू, जिहड़ा कि पिछली जिमनी चोन हार गया सीगा दाखे तो, हुण भी चोन लड़ रहा। वह बंदा सारिआं नूं मतलब साडा जां उहदा केस चल रहा, एक उहदा दोस्त जां कुछ भी जां उहदा पार्टनर वह है हरगोबिंद सिंह धालीवाल IPS। एक उन्हां दा इन्होंने की सीगा जी कि केस चल रहा सीगा, केस चलते दौरान ही असी एक पब्लिक नोटिस लाया सी कि इस जगह दे फलां फलां केस चल रहे ने, इस जगह ना कोई लैण देण ना करे। उस दे बावजूद भी इन्होंने 3 सितंबर 2004 रजिस्ट्रियां कराईआं ने जी, तीन नूं करालीआं, कोई 20 नूं करालीआं, इस तरह करके अड्डो अड्ड नावां ते जी, जिहदे विच संदीप सिंह संधू दे नाँ ते 520 गज दी रजिस्ट्री है जी। रविप्रीत सिंह इन्हों का दोस्त, वह भी इलैक्शन लड़ रहे जी तलवंडी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के उस पर जी, उन एक रजिस्ट्री वो नाते है जी। एक संदीप सिंह संधू जो कि दाखे तो लड़ रहे उन्होंने नाते है जी। एक उस तो बाद कोई इन्हों का गुरवीर सिंह हैगा एक रजिस्ट्री वो नाते, गुरजीत सिंह, चार रजिस्ट्रियां हो गई ने जी। उस तो बाद जो चार रजिस्ट्रियां हो गई, जदों ये उदो भी केस सीगा 2004 के बच्चे ही, असीं इन्हां दे इंतकाल की रोक भी लवाई। चलो साडी ये ऑफिशियली उदों भी कैप्टन मिनिस्ट्री सीगी, ते उस तो बाद इन्होंने उदों भी मैनेज करके, उदों बाद रविप्रीत सिंह जिहड़ा अकाली दल च सीगा, जिहड़ा कि हुण आपदा दल छड्ड के BJP च आ गया, वह बंदे का भी मेरे ते परचा कराउण च पूरा हत्थ है जी। एक इन्हां दा दोस्त है जी, कोई बब्बू भाईका कच्ची पुच्चों का रहण वाला जी, वो इस वे रहिंदा चंडीगढ़ आ। उन्हें आपदा जिहड़ा खेत आपदा कम कर जा करन वाला सीगा शमशेर सिंह, RMP डॉक्टर है जी, उहनू खड़ा करके मेरे ते परचा दर्ज कराया जी, जिहड़ा कि बाद च कैंसल भी हो गया। मैं कैंसलेशन दी भी दिखा सकदा उन्हां दा, जिहड़ा उही मदई हैगा उही कह गया भी आई डोंट वांट टू गो फरदर इन दिस केस, ते आई असैप्ट द कैंसलेशन बाय द पुलिस। गुरप्रीत जी, गल करिए टोटल कितनी तुहाडी जगह है, तुहानू कदों पता लगा जी तुहाडी जिहड़ी ज़्यादा ते कब्जा हो गया? इसका तो ऐ नहीं जी, सानू उदों मैं इत्थे सीगा जदों मैनूं पता लग्या, 2004 दी गल है जी। 2004 तो बाद फिर मैं 2007 दे विच गया जी, ते मतलब देखो उत्थे जिहड़ा हैगा मैं 7 च गया जी, 30 दसंबर 2007 नूं गया जी, तो 26 फरवरी 2008 नूं, 2008 नूं एक जिहड़ा RMP हैगा उहनूं खड़ा करके मेरे ते दोष आ कि बाहर ले जाण दे लई इस गुरप्रीत सिंह ने 5 लख रुपया लिया, जबकि मैं उस बंदे दी शक्ल अज तक भी नहीं देखी जी। नहीं, फिर कबूतरबाजी दा तुहाडे ते परचा क्यों हो गया जी, जिहनूं तुसीं जानदे नहीं हैगे, ते टोटल किन्नी कु प्रॉपर्टी आ जिहदा मसला हैगा? ये पुलिस इन्हां दी जी, पुलिस इन्हां दी, बंदा जिवें मैनेज होया मैं तुहानूं दस्सदा, कोई बब्बू हैगा जसप्रीत सिंह भाईका शायद उहदा नाम हैगा, उहदी जिहड़ी जमीन की देख रेख करदा हैगा, उस बंदे दा नाम हैगा शमशेर सिंह। उस बंदे नूं इन्हां ने करा के मेरे विरुद्ध झूठा, नरोल झूठा परचा दर्ज कराया जी।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਕੀ ਆ ਹਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਮ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਔਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਲਿਆ ਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਬਟ ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਉਹੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2004 'ਚ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹੀ 15-16 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 420 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਨੇਵਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਹੋਨੇਵਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੇਵਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨਿਊ ਡੈਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੇਵਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਨ ਆਨੇਵਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਆਨੇਵਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਆਨੇਵਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਜੀ ਦੀ ਏ ਆਈ ਜੀ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸੈੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 21-10-2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਡੂਲੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਡਰ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਹ 21-10-21 ਦੀ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਔਡਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਲ ਦੋ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ ਫਰੋਡ ਐਂਡ ਫੋਰਜਰੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਦਈਆਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ ਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਠਾਈ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਬੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਂ ਜੀ 2016 ਤੋਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 15 ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਓ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਕੌੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 5 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ
मेरे माता पिता आपके बच्चों रो रो के पता नहीं किवें बेचारे संसार तो चले गए। बच्चे साढ़े उत्थे इन्ने आपके दादी दादा मिस करते जिदा रहे रब का ना, मैं तो नहीं इन्हों का कुछ कर सकता, पर यह जे दुष्ट अंसर ने जोड़े लोगों के परिवार न ए खिलवाड़ करते हैं, इन्हों कोई यह जी परमात्मा ही सज़ा देगा जोड़ा इन्हों महसूस होगा कि असी धक्का किया। गुरु जी थोड़े कहने परिवार इन्ना डर है कि इंडिया नहीं आ रहे? नहीं आ सके, मेरे बच्चे नहीं आ रहे जी, मेरे बच्चे नहीं आ रहे, तो जेकर कुछ भी मैनू मेरे तो कोई इन्होंने पंजाब कई अफसर मैं किसी का ना तो नहीं लेना चाहता कि जिन्हों तो मैं डराया गया धमकाया गया कि तू लेना की आ, असी तेरे पुलिस का प्रेशर तो चकेंगे जेकर तू गिव अप कर देगा। मैं तो नहीं गिव अप किया, मेरी परमात्मा ने मदद की है, जोड़ा इन्हों का बंदा सगा जोड़ा मदई सगा वो गिव अप कर गया जी, वो आ मैं थोड़ा दिखा सकता वो आह जी एफ आई आर नंबर 13 डेटड 26/2008 जी, ये झूठी एफ आई आर इन्होंने मेरे से जी कराई सी ओहो है जी, ठीक है जी। तो आ हूँ जोड़ा इन्हों का मदई ऑर्डर करके गया जी आह जी स्टेटमेंट ऑफ शमशेर सिंह, सन ऑफ गुरदित सिंह, सन ऑफ गंगा सिंह, एड अबाउट 55 RMP डॉक्टर रेजिडेंट ऑफ पुचो खुरद अलोंग विद उसका वकील का नाम MS सिद्धू, एंड जिहड़ा उन्हें आ कह जी वो आ देख लो जी आई हैव नो ऑबजैक्शन, यह है जी उन्होंने लिखता जी आई हैव नो ऑबजैक्शन इफ द कैंसलेशन रिपोर्ट सबमिटड बाय द पुलिस इज अक्सैप्टड, आई डोंट वॉन्ट टू प्रोसीड फरदर इन दिस केस। आ तो देख सकते हैं जी टोटल किन्नी क लैंड है गुरप्रीत जी? ये जगह जी है जी 1550 गज जगह जी। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਮੌਲ ਨੇ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 5-star ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੀ ਹਯਾਤ ਏਜੰਸੀ ਐਂਡ ਬੇਬ ਮੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਯਾਤ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 7/5/19 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ TS ਬੰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਓ, ID ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ CLU ਦਿਖਾ ਗਿਆ, 1550 ਗਜ਼ ਕਾਬੜਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰਾ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਟਰੇਜਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CLU ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ? ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਪਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ? ਆਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਲਵਾ ਕੇ 114 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਵੜਿੰਗ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, 114 ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ
देखना चाहोगे तो वह भी मैं दे सकता। उस तो बाद संधु साहब ने तो फ्रॉड ही इन्ने किए हुए जिद चो कि बनते नहीं। फिर एक इन्होंने 30 किले कणक बढ़ाई है जी, एक लेडीज सुखजीत कौर दी, उन्हें इन्ना क पेपर गोली है तो उन्हें इस बंद ने उन्हें गोलियां भी चलाईया ने, गोलियां भी चलाईया ने। वह केस जोड़ा है हाई कोर्ट के पेंडिंग है जी, जिदे संदीप संधु जोड़ा है फॉर कह लो भी की होंगे जी मर्डर इरादा कतल का भी वोदेच ये ने। तो फिर जे जो ये मुलजम ने जो ये लैंड ग्रैब करना एक इन्हों का कम आ, लोगों के झूठे परचे करा इन्हों का कम आ, फिर किमें कह सकते हैं कि मैं क्लीयर हाँ जी। जेकर इन्हे जेकर संधु साहब न इन्ना कॉन्फिडेंस आ तो मेरे ओपन डिबेट करनी, मैं दसूँ कि उन्होंने कोई आह कुछ किया जी। मेरे को लिस्ट बहुत वही लंबी चौड़ी है कि समा आने पर मैं दिखा सकता जी। 34 सैक्टर 2004 कंसलटेंसी सी ईस्ट वैसट कंसलटेंसी, ये उन्होंने भी बथेरे इन्होंने किए ने। अज ठीक है वह वड्डे लैवल पर आ गए, अज इन्होंने कंपनी काफ़ी देर तो पहले बंद की भी है, पर भी जेकर आप गहरे जाने तो बहुत के बहुत फ्रॉड उहदे चों भी सामने आने। मौजूदा टाइम से तुहाडी शिकायत ते किसी ने गौर नहीं किया? किसी ने गौर नहीं किया जी, किसी ने गौर नहीं किया। SSP बठिंडा कई आए, कई ने मैंने बुला के कहा जी कि ये तुसी इस तरह करो उस तरह करो। इन्हों का क्वेश्चन ये जी कि गिव अप कर जे फिर असी देखांगे असी की देना। फिर उहदे च मेरे जिहड़े बंदे मौजूद बंदे कोई दो गए सी, कहिंदे इस तरह नहीं हुंदा, तुसी सानूं परसेंटेज दसो की है की नहीं हैगा। एक इन्हां दा DC थिंद है जी हरगोबिंद सिंह दा साडू है जी, वह इन्ना एटीट्यूड रफ से जो मेरे बंदे मिले बरनाले से पोस्टिंग, वह कहिंदा जी ये तो गिव अप कर जे असी महाराज के मतलब शक्ति ना जा कह लो भी इन्नी हौसले दे नाल असी नहीं अज तक गिव अप किया। ठीक है जी, फिर एक प्लाट की जेकर रजिस्ट्री सही होवे तो उन्हूं रजिस्ट्रियां कमाउण की नहीं कि लोड़ हुंदी मैं थोनू बेचती तुसी मैनू बेचती वापस, जां ये अपने दोस्त होण सपोज उन्होंने देती, इस तरीके दे नाल काम कीते। फिर आ जिहड़ा प्लाट हैगा जी असी 2004 दे विच इहते बोर्ड लाता कि यह जिहड़ा प्लाट हैगा इट्स अ डिस्प्यूटड प्रॉपर्टी, फलां फलां अदालत दे विच चल रहा हैगा, तो इन्होंने काले दब्बे धब्बे ये संधु साहब एंड कंपनी ने मरवाए ने। जेकर चोर नहीं सी तो इन्हों आप जे असी लाया असी बोर्ड कॉन्फिडेंस ना लाया सी फिर इन्हों ढाउण की भी की लोड़ सी, मैंने इस गल का जवाब दे देन। आख लो काले धब्बे और ये थले बिल्कुल पता लग रहा कि डिस्प्यूटड प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल। कितनी सारी हो चुकी है उस पता जी, पूरा माल बनाता इन्होंने, मैं वो भी थोड़ा फोटो बना दूँ। इनकम्प्लीट हैगा जिहड़ा कि इन्ना कुचा माल इन्होंने बनाता 5-6 मंजिलों का कटता, बट अजे भी अनकंप्लीट हैगा जिहड़ा फ्लाईओवर हैगा उहदे नाल उत्ते आ उहदी हाइट जी। इलीगल बिल्डिंग होगी फिर तो सारी इलीगल है जी, वह CLU दिखा देने कितने इन्होंने CLU कराया, कि नक्शा नंबर आ की हैगा, कुछ भी नहीं है। उगर जे डिटेल दे विच इहदे विच जिहड़े बंदे ने इन्हां नूं कोऑपरेशन कीती इन्हां दी कोऑपरेशन दे विच ओह वी गिल्टी ने। कागजा च किहदे नाम ते प्रॉपर्टी सर, तुसीं बठिंडा कदों शिफ्ट होए? फिर बठिंडा तो सन 70 दे होए जी, इत्थे भी साडा घर बार आ ते बठिंडे भी घर बार आ जी। जिहड़ी प्रॉपर्टी तुसीं कह रहे हो किहदे नाम ते हैगी सर? वह हुण तां जी मतलब देखो सानूं एक्सपर्ट दी डिग्री मिली सीगी, बट इन्होंने आपदे उहनूं वारस बनाउण तों बाद साडी एग्जीक्यूट डिग्री नहीं हो चुकी, क्योंकि जदों आपां एप्लीकेशन ला दिंदे आ कि एक्सपर्ट दी डिग्री नूं सैटिस्फाइड कीती जावे ते सानू पार्टी बनाया जाए, उदों फिर उत्थे ही रुक जांदा हुंदा कम्म। की मंग करदे सरकार तों तुसीं? असीं सरकार तों मंग करदे ट्रांसपेरेंट इहदी इनकुआरी होवे, ठीक है ना जी। और मैं साडू जिहड़ा जो कुछ असी अज दी तरीक देखते हैं, मैनू धमकियां हुण भी मिल रही ने लगातार, मेरी जान नू खतरा हैगा। मैं ADGP सिक्योरिटी नू भी आपदे सारे पक्ष पेश कीते ने, बट ये लोग मैनेज कर जांदे ने। मेरा कोई भी अज तक मैनू कोई गनमैन नहीं प्रोवाइड किया गया, इहदे विच आई एम 100% श्योर जेकर मैं इकल्ला इस तरह फिरदा रहूँगा तो मेरी पंजाब च किसी ना भी दुश्मनी है नहीं, तो मैनू मरवा भी सकते हैं जी, कि क्योंकि मैं कल्ला ही हैगा जिहड़ा पैरवाई करने वाला हैगा। एक तो मैनू सिक्योरिटी तुरंत सिक्योरिटी मिलनी चाहिए है, नंबर दो ते DGP पंजाब नू मेरी एक गुजारिश हैगी है कि वह भी इस बयान के आधार पर जां मीडिया के आधार पर जेकर मैनू कुछ हो जाता हैगा किसी नू पुछण दसण की लोड़ नहीं हैगी, संदीप संधु नू बुला लो तो वह थोनू 1 मिनट तो पहला दस दूगा कि मैं मर्डर कराया तो किवें कराया। 3 बंदे तो इन्हां दे बाय नेम होना चाहिए जी, हरगोबिंद सिंह धालीवाल जी, संदीप संधु ते जिहड़ा हैगा रविप्रीत जी।
जेकर कुछ भी हुंदा डी जी पी साहब इस बयान के आधार पर कार्रवाई ना लोगों ने कर लैन, जे मैनू कोई जान तो चलिया ना तो एटलीस्ट जिहड़े कल्परेट ने वह बंदे नाम बख्शे जाण, विचे हरगोबिंद सिंह आई पी एस हो, अज तो दो साल बाद भी हो भी ये बंदे नू वो किया जाए, ठीक है ना जी। तो रही गल जी बाकी जे कल मेरे बच्चे आउंदे आ, साडा कोई बच्चा कोई इंडिया नहीं आ रहा, तो जेकर बच्चे आउंदे कोई उन्हां दा नुकसान हुंदा तां बस ये बंदे वो करीन, तो आही मेरे बयान के आधार पर डी जी पी साहब इन्हां दे बाय नेम पर्चा दर्ज कर। साडा तां ई डी नू भी रिक्वेस्ट आ कि इहदी जिहड़ी जो कुछ भी इन्हें एसेट दसे आ उहदे विच इह नहीं पाया, जदों नॉमीनेशन दे विच उन्हां नू भी झूठी इनफॉर्मेशन दे रहा। 248 गज दी अज दी फर्द देख सकते हो, वो आ हैगी है जी, ये हैगी जी 14 फरवरी 2022 दी है जी, जिहदा कितें कितें भी जिक्र नहीं पाया क्योंकि उन्होंने पता कि डिस्प्यूटड जगह ये पाया ही नहीं कितें भी जिक्र। नॉमीनेशन भी नॉमीनेशन असी फिर कंप्लेट पाई सी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नू, ते डॉक्टर सुशील चंद्रा नू, करना राजू नू, गुरपाल सिंह चहल, श्रीमती इंदू मल्होत्रा, अनुराग वर्मा, ये सारे जो भी कंसर्नड हायर ऑफिसर ने दे ऑल आर आई एस, इन्होंने उन्होंने भी मैनेज किया, साड़ी कित भी अज तई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो आ बड़ा वड्डा सबूत आ कि जिहड़ा 14 कल तक भी इन्हां दे नाते खड़ा, जे ये सच्चे सी तो इन्होंने इनू क्यों नहीं मैनशन किया। बिल्कुल, ये NRI गुरप्रीत जी हैं जिन्हां नू अपनी ही जिहड़ी जमीन है वो नहीं मिल रही, उस नूं पाउण वास्ते पिछले कई सालों तो वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्हां दा कहना कि जे इस तरह के NRI नू पंजाब दे विच माहौल मिलेगा तो भविष्य में कोई भी NRI पंजाब दे विच आन तो गुरेज करेगा तो ना ही किसी तरह की इनवैसटमेंट करेगा। आखिरकार होर कि NRI है जिहड़े कि इंसाफ वास्ते पटक रहे, आने वाला टाइम ही दसेगा। पर जो गुरप्रीत का कहना कि उन्होंने प्रशासन तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा यकीन है कि उन्होंने इंसाफ जरूर मिलेगा तो जल्दी मिलेगा। देखते रहो होर न्यूज़ वास्ते पंज पाणी।